मैं तो अब विश्वास हुआ पीएम मोदी से देख के तुम जरते हो। ये पैर नहीं जो छुई मुई का, ये पैर नहीं जो छुई मुई का, छूने से मुरझा जाए। मेरे पीएम देश के शेर हैं, चाहे जितना विपक्षी आ जाए। जब हमारे पीएम मोदी जी विदेश में हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनको लोग भाई उन परिवारवाद जाति तो नहीं है ना, वो परिवार के लिए तो सिर्फ नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद कौन करता है? परिवारवाद विपक्षी, वो सिर्फ विपक्षी उनको चाहता है कि हमारे ही परिवार में सारे मंत्री हों। 2024 में कोई नहीं हरा पाएगा, मैं बोला ना 2024 में हरा नहीं पाएगा, सिर्फ मोदी मोदी आएंगे और जो जैसे चला रहे हैं उससे अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे। मेरा पीएम देश के शेर है, चाहे जितना विपक्षी आ जाए वो देश के शेर हैं। ऐसा भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री मिला है। इंडिया भारत सबका है, अगर मोदी हमारा वो प्रधानमंत्री रहा तो हम एक नंबर पे जाएंगे। 2024 में किसे चाहेंगे प्रधानमंत्री आए? 2024 में हम उसी को चाहेंगे जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा। अभी तक किसने अच्छा काम किया आपको क्या लगता है? मैम अभी तक तो हमें तो लग रहा है कि इससे पहले हमें जितना भी कॉलेज मिला, हॉस्पिटल मिला, यूनिवर्सिटी मिला, वो तो कांग्रेस सरकार ने बनाया, ठीक है। आप बताइए 2014 के बाद नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए किया क्या? अच्छा 2014 के बाद देश में विकास नहीं हुआ है? देश में क्या विकास हुए? हमारी रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिए, ठीक है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, ठीक है। उसके बाद अडानी अंबानी को जितना मतलब अमीर करना चाहिए था उन्होंने पूरा कर दिया। तो आपको दिक्कत किससे? बीजेपी से है, मोदी से है, किससे? मैम हमें मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके जो राजनीति कार्यकर्ता है ना, इनसे दिक्कत है। अच्छा। जे इन्होंने देश के ऊपर ध्यान नहीं देता, एक ही बंदे को सिर्फ आमिर करने में लगे पड़े हैं। अच्छा। आप किसे चाहेंगे? सर बोल रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया। हम तो सिर्फ मोदी को चाहेंगे और मैं कहना चाहूंगा, जरा सुन लो विपक्षी गण, हम किसे कहे तुम अच्छे हो, हमें तो अब विश्वास हुआ पीएम मोदी से देख के तुम जरते हो। ये पैर नहीं जो छुई मुई का, ये पैर नहीं जो छुई मुई का, छूने से मुरझा जाए। मेरे पीएम देश के शेर हैं, चाहे जितना विपक्षी आ जाए। जिसने कोरोना में जीवित रखा, गरीबों में राशन बंटवाया है, औरों ने उसी कोरोना में शीश महल बनवाया है। तो सर बोल रहे हैं, ये सर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के राज में ही विकास हुआ, बीजेपी में दो मिला है। ये तो सिर्फ हिंदू का नहीं, हिंदू मुस्लिम गरीब सारे को मिला है, सबको मिला है फ्री। ये सिर्फ हिंदू का नहीं, हिंदू मुस्लिम सबको, जो भी गरीब था सबको मिला है। विपक्ष बोल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। नहीं, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है। जब हमारे पीएम मोदी जी विदेश में हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनको लोग भाई उन परिवारवाद जाति तो नहीं है ना, वो परिवार के लिए तो सिर्फ नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद कौन करता है? परिवारवाद विपक्षी, वो सिर्फ विपक्षी उनको चाहता है कि हमारे ही परिवार में सारे मंत्री हों, हमारे विपक्षी में सारे पार्टियाँ हों, और वो अपने पार्टी के लिए, अपने मलाई खाने के लिए वो एकजुट बनाकर और पीएम मोदी को हराना चाहते हैं। 2024 में कोई नहीं हरा पाएगा, मैं बोला ना 2024 में हरा नहीं पाएगा, सिर्फ मोदी मोदी आएंगे और जो जैसे चला रहे हैं उससे अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे। गठबंधन सारे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग अपने आपस में तालमेल है नहीं। देखिए कहीं जहाँ जिनकी राज है, जहाँ पे वो मंत्री हैं, वो जहाँ पे वो अपने सीएम बने हुए हैं, वहाँ पर तो फ्रेंड पिस्ट पे आ जाते हैं, ऊपर में चेहरा आ जाता है उनका मुख्य प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन जहाँ बुलाया जाता है दूसरे राज्य में, वहाँ जाते हैं तो उनको किनारे किया जाता है, सबसे नीचे पर उनको दिखाया जाता है। और पीएम मोदी में उनका जो क्या चाहिए, 2014 के बाद एक स्कूल, एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल अगर बनाया प्रधानमंत्री तो बता दो। आप बताइए दिल्ली में अगर हॉस्पिटल बना है जो पहले से था उसी को चमका दिया गया, उसका भाई हम बन गया दिल्ली में, क्या कुछ नहीं? स्कूल जाके देखिए, स्कूल कहाँ बना दिल्ली में, जो पहले था पहले ही से है, दूसरा नया कोई जगह लेकर बना है नहीं। महागठबंधन की बात करते हैं, महागठबंधन में 26 दल शामिल हुए हैं और उन्होंने बैठक में नाम रखा इंडिया, तो आपको क्या लगता है इंडिया मिलके एनडीए को हरा सकता है? बिल्कुल नहीं सर, नाम रख देने से कुछ नहीं होता, काम से होता है। जो अच्छा काम कर रहा है उसके लोग चाह रहा है, गरीब हर जगह चाह रहा है,
हर जगह उन्हीं को चाहा जा रहा है। नाम रख देने से क्या कोई सपोर्ट करेगा? नहीं, वही सपोर्ट करेंगे जो पहले से करते आए हैं उन पार्टियों को, वही करेंगे। लेकिन विपक्षी को तो कोई अच्छा नहीं, जो अच्छा है उसके जो सब अच्छे कहते हैं, जैसे पीएम मोदी हैं, सबको पीएम मोदी हैं, सब हर जगह पीएम मोदी का बच्चा बच्चा पीएम मोदी को जानता है। तो इसीलिए देख कर दूसरे बार विपक्षी यानी कि दूसरी पार्टियां जलती है कि पीएम मोदी को हराने के लिए, एक आदमी को हराने के लिए सारे एकजुट हो रहे हैं। नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, इनमें से आपको कोई चेहरा लगता है कि देश के विकास के लिए, प्रधानमंत्री के लिए योग्य? मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो कोई चेहरा दिखाई नहीं, इधर विपक्षी में तो बिल्कुल कोई चेहरा दिखाई दे ही नहीं रहा है। और कहने का मतलब पीएम मोदी जब तक हैं तब तक तो संभाल रहे, वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, उसके बाद तो देखा हमारे आएंगे नया चेहरा आएगा, लेकिन जब तक भी मोदी हैं तब तक कोई नहीं है सर। तो इंडिया के नाम पे जो उन्होंने नाम रखा, इंडिया के नाम पे आपको लगता है कि उनके वोट बैंक बढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम रख देने से वोट बैंक बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता तो पहले से देख चुकी है ना और चाह रही है ना कि परिवारवादी से आगे हमारा देश के विकास के लिए, देश के लिए विदेशों में जाकर उनकी पूजा हो रहा है, विदेशों में जाकर उनकी पूजा हो रहा है। तो सारी जनता देख रहा है ना, गरीब के लिए कौन किया, कोरोना काल में कौन किया, पीछे कौन किया, आगे कौन कर सकता है। तो इसलिए नाम रखने से कुछ नहीं हो, चाहे जितने भी विपक्षी कुछ कर ले, लेकिन हमारे देश के लिए पीएम मोदी ही अच्छा है। बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए 26 दल इकट्ठे हो रहे हैं, क्या अकेले राहुल गांधी या अकेले अखिलेश यादव या फिर नीतीश कुमार नहीं कर सकते? अगर वही करना होता तो करके दिखाए ना कि अकेले अगर उनको हराना होता, हमारे पीएम मोदी को अकेले हरा दे, सारे एकजुट तो हो रहे हैं, एकजुट होकर भी नहीं हरा पाएंगे, एकजुट हो गए। वही तो मैं गाना पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा पीएम देश के शेर है, चाहे जितना भी पक्षी आ जाए वो देश के शेर है। आपको क्या लगता है सर 2024 में क्या होने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी और योगी, मोदी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री। अच्छा, क्यों मोदी जी ने काम किया? मोदी और योगी, अच्छा दोनों। मोदी जी क्यों? मोदी ने इतना बढ़िया काम कराया, इसका कोई जवाब नहीं है, पूरे देश को बचा रखा है। आप यहाँ खड़ी हो इतने आदमी बीच में, अरे तो आप बोलो ना, आप चौदह बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आप इतनी जनता के बीच में खड़ी हैं, यहाँ पे इतनी जनता के बीच में आप खड़ी हैं, आपको कुछ छिड़ सकता है क्या? आप इतनी जनता के बीच में खड़ी हैं, आपको कुछ छिड़ सकता है क्या? हिम्मत है इसकी? कि हमारा भाग्य है कि ऐसा प्रधान, न मोदी नाम लो न योगी के नाम लो, ऐसा भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री मिला है। समझी प्रधानमंत्री, नाम किसी से मत लो कि मोदी है योगी है, प्रधानमंत्री मिला है हमारा, जो हमको सीधा तान के ऊपर खड़ा किया हुआ है। समझ गए ना, ये चोरों की गठबंधन से नहीं होगी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और नीतीश कुमार के यहाँ से बिलोंग करता हूँ, उस चुतिया से जब बिहार नहीं संभला तो भारत क्या संभलेगा? मैं बोला बिहार नहीं संभला तो देश क्या संभालेगा? इंडिया भारत सबका है, उसके बाप की गठबंधन की इंडिया नहीं है, ये हमारे सबकी इंडिया है। और लालू का नाम ले लो, चारा चोर है भोसड़ी वाला। 26 दल की महागठबंधन की बैठक हो रही है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हम चौथे स्थान पे हैं, हम इंडिया हमको एक स्थान पे लेके जाएंगे, ये गारंटी है। अगर मोदी हमारा वो प्रधानमंत्री रहा तो हम एक नंबर पे जाएंगे। पूरे देश का सर्व सम्मान जो उपाधि मिल रही है वो हमारे प्रधानमंत्री को मिल रही है। क्यों मिल रही है? आज 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 इंदिरा गांधी थी, आज राजीव गांधी थे, क्या करके दिखाए बताओ मुझे, क्या करके दिखाए? कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कांग्रेस के राज में देश भरने के सिवा कुछ नहीं किया। तुम भी खाओ मैं भी खाऊं और राज करूंगा इंडिया पे। आपने पंकज सिंह का नाम लिया, उन्होंने पंकज सिंह का नाम लिया, ठीक है, राजनाथ सिंह का बेटा है पंकज सिंह, क्या एक अगर आ गया, खानदानी आ गया तो क्या वो गंदा हो गया? नहीं हुआ। कांग्रेस की खो कितनी खानदान पड़ा हुआ यहाँ पे, आपने हमने नहीं आरोप लगाया, लेकिन आज अब एक बात बताइए, देश का सबसे ज्यादा विकास किससे होता है? ये हो रहा है, नहीं मेरी बात सुनो, देश का, अरे चुप रहो यार, देश का विकास डिपेंड करता है कि रोड पर, सड़कों पर, किसी भी देश के आप जीडीपी को जाएंगे चेक करने या विकास को जाएंगे चेक करने, तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? रोड चेक किया जाता है, ट्रांसपोर्ट
रोड पर, बिजनेस रोड पर। उन्होंने सबसे पहले भारत के सहार रोड को सुधारा है। आप कहीं से भी हो, जब से भी आप, जब से वो आए हैं, रोड हर जगह के रोड सुधरे हैं। रोड पे आप अब कब पिछले समय का और आज के समय का देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट रोड से, बिजनेस ट्रांसपोर्ट से, अब प्राइवेट। अब एक बात बताओ, सरकारी बस है वो क्या सरकार, रेलवे है, रेलवे आप फ्री टिकट चढ़ जाते हैं, मेट्रो में चढ़ के देखेंगे, मेट्रो प्राइवेट है, सारा पैसा सरकार के उसमें जाता है। अरे वो आप बताइए, एक सेकंड, G20 के बारे में जानती है ना जी? एक सेकंड भाई, मणिपुर वाले को G20 जो है, G20 कहाँ से है, किसके बदौलत आया है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसको लीडर बनाया गया? मोदी जी को लीडर है। क्यों बनाया गया है? G20 के नाते बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है, 2024 में विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, उन्हें काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए कि हमारा धर्म है सनातन धर्म, हमारे देश में जब से राम जी का मंदिर बन रहा है, इस्कॉन टेम्पल बन रहा है, कितने सारे धार्मिक स्थल बन रहे हैं। आप विंध्याचल चले जाइए, आप मैहर कहीं भी आप चले जाइए, हर चीज का रिनोवेशन हो रहा है, चीजें और बेहतर हो रही हैं। कोई भी आप धार्मिक स्थल ले लीजिए, अभी सब पर काम चल रहा है, A to Z, कोई भी ऐसा धार्मिक। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, लोकतंत्र खतरे में है। कैसे लोकतंत्र खतरे में है? यहाँ पर हर एक चीज मंदिरों को, ये बताओ आप, एक सेकंड आप आइए, एक सेकंड, देश कैसे तरक्की पे नहीं पहुंच रहा, आप मुझे बताइए। तो आप मुझे बताओ ना, कैसे नहीं पहुंच रहा है? चौरा सीना किसने किया? मैं बोल रहा हूँ कि भारतीयों के चौरा सीना किसने किया? वो नहीं, अरे आपका क्वेश्चन ये, आपका क्वेश्चन ये है, एक सेकंड, आपका क्वेश्चन ये है, आपने ये कहा कि हमारा देश, एक सेकंड, इंडिया में जितनी भी मूर्तियां आपने देखी हैं, ठीक है, देवी जितनी भी हैं आपने सब पे वस्त्र देखे, मणिपुर की देख लो, वो तीन तीन ऐसे रोड पे उनको चलाया गया है। आपको पता है कितने दिन हो गए? 4 मार्च का केस था, अभी तक आपने सोशल मीडिया पे देखा? एक सेकंड, हम देश का विकास की बात, देश के विकास की बात हो रही है।